हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए दो आरआरबी से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए लेवल 5 और लेवल 6 का यहाँ पर डीवी जारी किया गया है। एडिशनल डीवी मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 5 और लेवल 6 का जो एडिशनल डीवी लिस्ट जारी की गई है, उससे जो है वेटिंग वाले छात्रों को मौका मिला है और उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फाइनली हम बात कर लेते ही कौन कौन से दो आरआरबी है जिनसे जो है ऑफिशियली खुशखबरी देखने को मिल रही है। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में, लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में हम जाएंगे। तो जैसे हमने ऐसे क्लिक किया तो देखिए नीचे आएंगे तो आपको जो है एनटीपीसी वाले सेक्शन से दिखाई देगा CEN01/2019 एनटीपीसी 2/5/2024 कल ही की अपडेट है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पे लेवल 6 वाले छात्रों के लिए यहाँ पर एडिशनल डीवी दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो चुकी है आरआरबी कोलकाता की तरफ से, जो कि एडिशनल डीवी दिया गया है लेवल 6 वाले छात्रों के लिए। जब नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर डीवी डेट जो रखी गई है वो 14/5/2024 को रखी गई, मतलब आज से ठीक 11 दिन बाद रखी गई है। उसके बाद जो है इसका ब्लॉक डेट भी दिया गया है। देखिए टोटल बात करें तो लेवल 6 में टोटल 12 कैंडिडेट्स है, यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पर टोटल 12 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडिशनल डीवी के लिए बुलाया गया आरआरबी कोलकाता के ऑफिस में, और इनका जो है फर्स्ट शिफ्ट मतलब कि सुबह 10:30 बजे रिपोर्टिंग रखी गई है 14/5/2024 को आरआरबी कोलकाता के ऑफिस में। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पॉइंट आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर डीवी डेट जो 14/5/2024 को रखी गई है विद ब्लॉक डेट। यदि कोई कैंडिडेट्स डीवी डेट पर अगर एब्सेंट मतलब कि 14/5/2024 को एब्सेंट होता तो उनके लिए ब्लॉक डेट 20/5/2024 मतलब कि ठीक उसके 6 दिन बाद और जो है उनको एक और मौका दिया जा रहा है डीवी करवाने का ब्लॉक डेट के साथ। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका डीवी का इक्वल लेटर कब जारी होगा, ये सब इसके बारे में यहाँ पर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, वहीं दूसरा आरआरबी भुवनेश्वर, यहीं से खुशखबरी आपको देखने को आई है। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो देखिए 1 तारीख की अपडेट है 01/2019 एनटीपीसी की बात करें तो 1 तारीख की अपडेट है शेड्यूल ऑफ 6th एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिप्लेसमेंट फॉर द पोस्ट इन लेवल 5 वाले पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो चुकी है जो कि आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर 6वां एडिशनल डीवी दिया जा रहा है कि जो कि रिप्लेसमेंट डीवी लिया गया है और उसके बाद जो है लेवल 5 वाले छात्रों के लिए। जब नीचे आएंगे तो देखेंगे टोटल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही छात्र है जिनको जो यहाँ पर एडिशनल डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है लेवल 5 में। अब देखिए यहाँ पर जब नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको ब्लॉक यहाँ पर डीवी डेट दे रखी है। डीवी डेट जो आपकी रखी गई वो 8/5/2024 मतलब कि आज से 5 दिन बाद ही आपका जो है डीवी होने वाला है। और इस तरह से आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा जो कि आरआरबी भुवनेश्वर के ऑफिस में रखा गया है। दोस्तों ध्यान देखिए यहाँ पर कोई भी डीवी के लिए जो है एक कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया गया 8 तारीख को, इसके बाद कोई भी ब्लॉक डेट नहीं रखी गई है। ब्लॉक डेट कहीं से भी कहीं तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो ये कैंडिडेट्स को जो है 8 तारीख को ही डीवी के लिए जो है आना होगा मतलब कि उपस्थित होना होगा, और इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है OIRMS की पोर्टल की वेबसाइट पर जो है अपलोड करना होगा। देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेट ऑफ डीवी आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। तो OIRMS की पोर्टल पर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे, आरआरबी भुवनेश्वर ने ऐसा मेंशन कर दिया है। उसके बाद आरआरबी डीवी के लिए मतलब कि डीवी के लिए आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और डीवी का ई कॉल लेटर कब जारी होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, दोनों आरआरबी से लेटेस्ट अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ